लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चलाया है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं गुना सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी में दो प्रभारी रहेंगे। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे गुलाम नबी आजाद को अब हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है।